दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब टीम इंडिया को थी सबसे अधिक विकेट की दरकार, तब रोहित ने सौंपी शुभमन गिल को गेंदबाजी। उनका ये अद्भुत फैसला देखकर ऑस्ट्रेलियाई खेमे से लेकर 140 करोड़ भारतीयों की भी हंसी निकल गई। तो आखिर क्या था वो लम्हा जब गेंदबाजी पर शुभमन गिल को आना पड़ गया, और ऐसा क्या किया उन्होंने जिसे देखकर सारा तेंदुलकर भी खुशी से उछल पड़ी। उस मजेदार वाक्य का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल अजिंक्य रहाणे और स्टीव स्मिथ में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, फाइनल का बादशाह बनने की जंग जारी थी। शुरुआत दो दिनों के खेल में तो ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम की हालत बद से बदतर कर दी थी, लेकिन तीसरे दिन लिखी गई भारतीय टीम की वापसी की कहानी, जहां दिन के पहले दो सेशन को टीम इंडिया ने पूरी तरीके से अपने नाम किया। अजिंक्य रहाणे की तूफानी 89 रनों की पारी, तो वहीं शार्दुल के अर्धशतक की बदौलत भारतीय टीम ने वापसी की कहानी लिखी। तो फिर अपनी घातक गेंदबाजी से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कमर चटका दी। इसी दौरान एक बेहद मजेदार वाक्य हुआ। दरअसल दोस्तों, टी ब्रेक के बाद सभी भारतीय खिलाड़ी मैदान में वापस आए थे, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी वापस आ चुके थे। उस वक्त लोगों ने उम्मीद की थी कि मोहम्मद सिराज या फिर जडेजा गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर कोई भरोसा ही नहीं कर पाया। जी हां, शुभमन गिल को कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद सौंप दी, और गिल भी कहां रुकने वाले थे, उन्होंने भी गेंद लेकर गेंदबाजी का अभ्यास करना शुरू कर दिया और पिच की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने अपने एक्शन का अभ्यास भी किया था, और ये सब देखकर तो ऑस्ट्रेलिया खेमा समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो वहीं दोस्तों, पूरा स्टेडियम हैरान था, आखिर रोहित ने कौन सा नया मास्टर प्लान तैयार किया है। हालांकि गिल ने पहले भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदबाजी की हुई थी, लेकिन उस वक्त टीम इंडिया मुकाबला जीत चुकी थी, और ऐसे में वो कोई हैरत अंगेज काम नहीं था। लेकिन इस बार तो गिल ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाजों के सामने उतरने जा रहे थे, और उन्होंने जब गेंदबाजी की तो उनका एक्शन देखकर तो हर किसी की हंसी छूट गई थी। वहीं इस मजेदार लम्हे ने ऑस्ट्रेलिया के कुछ पल के लिए हैरान और परेशान तो जरूर कर दिया था, लेकिन इस खिलाड़ी का ये अंदाज देखकर उनकी गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तो गिल के लिए विकेट की प्रार्थना करने लगी। वहीं अनुष्का शर्मा भी दंग रह गई थी। इतना ही नहीं, ये लम्हा अब देखते ही देखते काफी वायरल हो चुका है, और लोग उसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। आखिर हो भी क्यों ना। दोस्तों, शुभमन गिल बल्ले से नहीं बल्कि गेंद से भी योगदान देना जानते हैं, और फैंस भी उन्हें गेंदबाजी करते देखने के लिए बेकरार रहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है शुभमन गिल चौथी पारी में अपने बल्ले से कितने रन बना पाएंगे? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए।